My name is Jiveshu. My mother is the most optimistic woman in the world. You know, for her, I never grew fat. I was healthy, plump, pleasantly plump, horizontally challenged. अब वो कहती मेरा बेटा सूजा हुआ है. It's weird how people give advices, like freaky advice आ रही होती है. Like I was, you know, when I was married, I was going out with my ex-wife to Jaipur, and somebody said, "Ki sir, इतने पैसों आप गोवा चले जाओ. गोवा is fantastic." I said, "Imagine कर तू गोवा में बैठा, sunset हो रहा है beach पर, तू पीना कोलाडा पी रहा है. Just because you bought a ticket, you have to laugh at everything." बंदे को शराब तो पीने तो कम से कम यार. So imagine this, you know, somebody like मेरे जैसी body वाला बंदा भागता हुआ सिर्फ thong पहन के. पेट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे. कह रहा सर आप जयपुर जाओ, आप जयपुर जाओ. सी दिस व्हाट, व्हेन यू लुक एट मी, आई लुक लाइक अग्रवाल स्वीट कॉर्नर वाले का बेटा. आई न्यू इट. पापा खोया ले आऊं. हाउ मेनी पीपल नो व्हाट इज बंटा? कंचे वाली बोतल. गिव मी अ चीयर इफ यू नो बंटा. आई नो, ये सांप के बच्चे बंटा के साथ क्या करते हैं? ये दुकान पे जाते हैं, बंटे की बोतल आपको खोल के दे देना, वापस दे दे. बंद वाली चाहिए, मैं खुद खोलूंगा. मर्दान की वो बोतल लेके थैंक यू सो मच. यू नो अरेंज मैरिज का पहला एक पूरा एल्गोरिथम होती है. मतलब बड़े सारे ऐड आते हैं, एक न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, एक साईं बाबा की फ़ोटो होगी और एक और बाबा की फ़ोटो होगी जो सुबह इंडिया टीवी पे आता है, और नीचे लिखा था शादी ना होने से परेशान. संपर्क करें 24 घंटे में समाधान है. नीचे लिखा था बच्चा ना होने से परेशान. फिर बनियों के ऐड देखना, प्रोफेशनल क्वालिफाइड मैच. बनिए से PQM लिखते हैं, बनिए है ना. PQM 4 न्यूमेरिकल वाला. BA MBA NCR बॉय, 4-digit इनकम, रिच फैमिली. कॉन्टेक्ट 2651-4193. ये वो लोग हैं जिन्होंने मोबाइल की बजाय लैंडलाइन का नंबर दिया कि 2 digit के पैसे बच जाएं. BCom की बजाय BA लिखवा दें कि 2 alphabet के पैसे बच जाएं. लोग पूछते थे गुप्ता साहब आपके बच्चे ने तो BCom किया था, BA क्यों लिखवा दिया? साहब कॉमर्स में BA किया उसने. फिर कुंडली मिलान होता है. कुंडली मिलान में जनरली पंजाबियों के केस में सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है. कहता है यहाँ भी कोई सिमरनजीत, यहाँ भी कोई सिमरनजीत. कहते गई शादी करनी कर लो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो. फिर कार्ड आते हैं. कार्ड आते हैं 2 type के. एक आते हैं जिसमें से लास्ट मोमेंट तक पेंट की बदबू आती रहती है, जिसके चमकीली कपड़ों को गंदा करते रहते हैं, और जिसके गणेश जी निकाल के हम TV पे लगा लेते हैं. फिर आजकल टैकी लोग हैं, साले कार्ड की स्कैन कॉपी भेजते हैं. BCC में भेजेंगे, कर्टेसी नहीं है, 2 में भेज दें या कॉल कर लें. BCC में भेजते हैं और नीचे लिखते हैं प्लीज कंसिडर दिस एज माई पर्सनल इन्विटेशन. मैंने भी 500 के नोट की एक स्कैन कॉपी लगा दी. मैंने कहा हे थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, प्लीज कंसिडर दिस मेल एज माई पर्सनल विजिट एंड 500 नोट एज पर्सनल शगुन फ्रॉम माई साइड. फिर शादी से पहले, शादी पे सबसे इंपॉर्टेंट बंदा, सबसे अनइम्पॉर्टेंट बंदा होता है दूल्हा. इंपॉर्टेंट होता है 6 feet की घोड़ी पे होगा, 4 feet और ऊपर होगा, और हर बंदा उससे बात करके जाएगा. जी दूल्हे को नहीं झुकाया तो मज़ा नहीं आता है. और अनइम्पॉर्टेंट इसलिए होता है 10 seconds बाद उसे कोई पूछता भी नहीं है, जनरेटर और लाइट वालों के साथ खड़ा रहता है. पानी के लिए भी छोटे भाई को कॉल करना पड़ता है. फिर दुल्हन आती है मस्कारा वस्कारा करवा के, 4 घंटे मस्कारा वस्कारा करवा के आएगी, डायरेक्ट उसे हवन कुंड के सामने बिठा देते हैं. उसका मस्कारा वस्कारा सब बहरा होता है. जो बचा खुचा होता है कैमरामैन हेडलाइट मार के बुझा देता है. उस टाइम पे बंदी का चेहरा देखो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मजदूर होते हैं ना. और जब तक दुल्हन नहीं आती ना, दूल्हे के दोस्त होते हैं डेस्परेट. इंजीनियर तो होते ही हैं डेस्परेट. और भाई तू मेरा भाई है, भाई तेरे को छोड़ के नहीं जाऊँगा, भाई भाभी को गोदी में बिठा लूंगा, तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा. और जब दुल्हन आती है ना, भगदड़ मच जाती है. फोटोग्राफर कभी कभी दूल्हे को धक्का मार देता है, पीछे हो जा. फिर एक बंदा होता है जो DJ पे मिथुन को भगवान मान के डांस कर रहा होता है.
वो इतना टोन होता है भाई, गॉड आप डीजे बंद कर दो, जनरेटर की आवाज पे डांस करने को तैयार है वो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हेलो हेलो गुड़गांव। सो अ लिटिल बिट अबाउट द शो फर्स्ट, वी स्टार्ट द शो विद एन इंट्रोडक्शन, बट द इंट्रोडक्शन बाय इटसेल्फ इज अराउंड। So we start with the roast. I'll be calling the first comic on stage, and how it works is that I'll be talking about him with a lot of love, and then we move on from there. So can we have a huge round of applause? Big. Can it get better? Can we have on stage Rajneesh Kapoor? But Rajneesh is the cleanest comic right now in India. He doesn't do any sex jokes. Probably the reason is that his jokes are generally come from experience. And the thing is, you know, he's unmarried. And the reason is that, you know, because he's a Punjabi. And as a Punjabi guy, he wants to marry a girl who's fairer than him. And anything whiter than him is normally 3 days dead. Over to you, Rajneesh. Thank you. In case any of you are wondering why was this guy being rude to me, this is like tradition of comedy, you know, it's called roasting. We just make fun of other guys. And thing to remember in roasting is we only mock people we like. That's why I refuse to roast him. I want to roast the guy, good friend of mine, Raghav Mandavak. In a survey last year, he was voted as India's funniest comedian. Some people say survey size was too small, it was just Raghav. But still, it counts, right? You guys heard of the expression, too soon? You know, if somebody dies, you're not supposed to make jokes about him for some time, right? That some time for Raghav is half a second. If I slip here right now, there'll be stunned silence. You will hear one guy cracking up. That will be Raghav Mandava. Give it up all the way. Raghav Mandava, all yours, buddy. Okay, up next, we have a comedian who I'm really looking forward to roasting. Can you please welcome with a big round of applause, Maheep Singh? Okay, so what do I say about Maheep? Maheep was voted as one of the greatest stand-up comics in India in 2012. True. He won it. He won money also. He shared it with a Muslim guy. I believe there was a quota involved. And you think the Oscars make wild decisions. All right, that's it from me. Here is Maheep Singh. Kutte ka bachcha. So I'm going to roast a very good friend of mine. He is a treat to eyes to look at, and I'm going to call Jiveshu Aluwalia. Before Jiveshu arrived on comedy scene, we had comedians of all shapes and sizes. But हमारे पास चौरस नहीं था. तो look at him. लंबाई चौड़ाई बराबर है, एकदम चौरस, जैसे पालम विहार में चौकोर प्लॉट होता है कॉर्नर का. अच्छा, खाली प्लॉट होता है, लोग क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल करवा के कुछ चीज़ें लिखवा लेते हैं ऊपर, ये आम रास्ता नहीं है, गधे के पूत वगैरह वगैरह. अब लुक एट हिम, लाइक शो योर टैटूज मैन. इतना कुछ लिखवा रखा है खाली प्लॉट की तरह. और एक सबसे डेयरिंग टैटू इसका जो मैं समझता हूँ, इसकी छाती पे लिखा हुआ है, कैन यू, ये जानबूझ के मफलर बांध गया है आज यहाँ पे, स्कार्फ बांध के. छाती पे इसने अपनी मम्मी का नाम लिखाया हुआ है. मतलब कोई बहुत ही सिक्योर आदमी ऐसा कर सकता है, छाती पे मम्मी का नाम टैटू करवाया हुआ है, मतलब सेक्स लाइफ की वाट लगी. Imagine while having sex, girl would want to know ये आशा कौन है.
तो कहता है नहीं वो मम्मी है. तो अगर लड़की संस्कारी होगी तो पहले तो सिर पे चुन्नी करेगी. फिर पैरी पौना करके अलग बैठ जाएगी. और अच्छा इसकी हाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है. तो ये क्या जिन लोगों की हाइट कम होती है ना तो वो गर्लफ्रेंड में हाइट को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं. ही इज़ डेटिंग अ गर्ल हु इज़ 1 feet टॉलर देन हिम. मैंने पूछा क्यों कर रहा है ऐसा. कहता है कम से कम बच्चे तो लंबे पैदा होंगे. मैंने कहा बच्चे पैदा कर रहे हो एवरेज निकाल रहे हो. माँ की हाइट प्लस बाप की हाइट बटे में 2. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जयेश.